लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आयुष्मान भव, तो देवराज इंद्र आए हैं। निहत्थे आए, मेरी हत्या नहीं करेंगे आप? महर्षि, मैंने स्वर्ग के शासक के रूप में आपकी हत्या की थी, आज याचक के रूप में आपकी हत्या करने आया हूं। आपका उद्देश्य वही है, केवल ढंग अलग है देवराज। परिस्थितियों में अंतर है मुनिवर। उस बार अहंकार ने आपकी हत्या करने के लिए उत्तेजित किया था, इस बार हमारी दीनता हीनता ने आपके चरणों में निवेदन करने के लिए विवश किया है। देवराज इंद्र, मैं आपकी परिस्थिति से परिचित हूं। महर्षि, आप क्षमा, सहनशीलता, उदारता की आदर्श मूर्ति है, अन्यथा मुझ जैसे हत्यारे को आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति ना देते। देवराज इंद्र, आप यज्ञ के देवता हैं, यज्ञ भाग ग्रहण करते हैं, आहुतियां ग्रहण करते हैं, न जाने क्यों अविवेकपूर्ण ढंग से कार्य कर विपत्तियों में उलझ जाते हैं आप। आपका कथन सत्य है मुनिवर। अब अपने आने का प्रयोजन बताएं देवराजेंद्र। तपोधन, मेरे अविवेकपूर्ण अपराधों के कारण हम विपत्तियों में घिरे हुए हैं, भूल मेरी है, सभी देवता कष्ट भोग रहे हैं। त्वष्टा ऋषि के यज्ञ पुत्र ने, जिसे उन्होंने हवन कुंड से देवताओं से प्रतिशोध के लिए उत्पन्न किया है, उसका नाम है वृत्रासुर। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, अब हमारे प्राणों के पीछे पड़ा है। अर्थात वो लोग काष्ठ पाषाण के अस्त्र शस्त्रों से नहीं मरेगा, तथा धरती आकाश पानी में भी नहीं मरेगा। भगवान विष्णु ने कहा है। भगवान विष्णु ने क्या कहा है? वो आपकी हड्डियों के बने अस्त्र शस्त्र से मरेगा। धन्य है कृपा निधान भगवान विष्णु, उनके हृदय में मुझ जैसे तुच्छ भक्त के लिए भी कितना सम्मान है। मृत्यु के पश्चात नष्ट हो जाने वाली हड्डियों को परमार्थ के कार्य में लगाने का कितना अच्छा उपाय बताया उन्होंने। मैं अपनी हड्डियां अवश्य प्रदान करूंगा। ब्रह्मर्षि दधीचि की जय। ब्रह्मर्षि दधीचि की जय। ब्रह्मर्षि दधीचि की जय। ब्रह्मर्षि दधीचि की जय। नारायण नारायण। मैं प्राण त्यागने के लिए उतावला हो रहा हूं, प्रसन्न हूं, और तुम्हारी आंखें भरी हुई हैं। ये ब्रह्म ज्ञान की उपेक्षा है, मेरी शिक्षा का उपहास है। क्षमा करें गुरुदेव। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं। तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।
आप इन अस्थियों की रक्षा कीजिए, मैं भगवान विष्णु की सेवा में जा रहा हूं। प्रणाम श्री हरि। सर्वेश्वर, महर्षि दधीचि ने सरहस प्राण त्याग कर हमें अस्थिदान कर दिया है। आपके नेत्र सजल हो गए रमापति। देवराज, महान भक्त महर्षि दधीचि ने सदैव श्रद्धा भरे नेत्रों से मुझे स्मरण किया है। उस ऋषि श्रेष्ठ के लिए मेरे नेत्रों में आंसू उमड़ आए हैं तो आश्चर्य कैसा। मेरे अश्व महर्षि दधीचि के लिए श्रद्धांजलि है। मैं ब्रह्म ऋषि दधीचि के प्रति अपने व्यवहार से लज्जित हूं। प्रायश्चित शब्दों द्वारा नहीं, कर्तव्यों द्वारा होता है। देवराज, आप अपनी और देवताओं की मुक्ति का यत्न कीजिए। अवश्य करूंगा प्रभु। विश्वकर्मा से, ब्रह्मर्षि दधीचि की हड्डियों से आयुर बना है, उसी से वृत्तासुर की मृत्यु संभव है। जो आज्ञा प्रभु। आप दधीचि की बनी हुई हड्डियों के अस्त्र से भी वृत्तासुर से युद्ध में विजय नहीं हो सकते। मैं क्या करूं दयानिधे। कल बल छल ये युद्ध में विजय के 3 मंत्र हैं। आपको वृत्तासुर से मित्रता करनी होगी। वो मेरी मित्रता स्वीकार करेगा प्रभु। प्रयत्न करो तो अवश्य स्वीकार करेगा। वृत्रासुर दैत्य नहीं, वो त्वष्टा ऋषि के हवन मंत्र से पैदा हुआ है। उसके मन में दया का कुछ ना कुछ अंश है, अन्यथा स्वर्ग की प्रजा के साथ वो सौम्य व्यवहार नहीं करता। वो इंद्राणी सची के साथ सम्मानजनक व्यवहार करता है। विश्वकर्मा से आयुष प्राप्त करके उसे छिपा दो, अवसर पाकर उनका प्रयोग करो। मैं आपकी सम्मति का अवश्य पालन करूंगा। हमारी सफलता हेतु आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव। ब्रह्मर्षि दधीचि की हड्डियों द्वारा बनाया गया अस्त्र वज्र नाम से विख्यात होगा। इसका प्रहार कभी निष्फल नहीं जाएगा। भगवान विश्वकर्मा, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। हमारी विजय का आशीर्वाद दीजिए। नारायण नारायण। महाराज, वत्रासुर की जय हो। निवेदन करो सैनिक। इंद्रदेव आपसे मिलने आए हैं। इंद्रदेव? उसे बंदी बना ले? नहीं, किंतु इंद्रदेव के साथ और कौन कौन है? वो अकेले और निहत्थे हैं। अकेला और निहत्था? दैत्यराज, इंद्र किसी षड्यंत्र के उद्देश्य से तो नहीं आए हैं? वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मुझे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त हुआ है, जाओ और उन्हें अंदर भेज दो। जो आज्ञा दैत्यराज। स्वर्ग पहले जैसा ही सुंदर है। धन्य है वृत्रासुर का शासन, धन्य है। आइए इंद्र देवता, आपको यहां आने से भय नहीं लगा? निर्बल शत्रु के सामने आने से भय लगता है। यदि मैं तुम्हें मार डालूं तो विजय मेरी होगी, तुम्हारी तो लोक निंदा होगी। सामने नहीं तो पीछे से लोग तुम्हें धिक्कारेंगे, कहेंगे वृत्रासुर जैसे एक महान योद्धा ने एक निहत्थे की हत्या कर दी। मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा, किंतु यहां आने का उद्देश्य क्या है? एक सिद्ध संत ने मुझे देखकर कहा, स्वर्ग के स्वामी आज यहां वहां भटक रहे हैं। मैंने उन्हें उत्तर दिया, यह सब भाग्य का चक्कर है। सुनते ही वो मुझ पर क्रुद्ध हो गया। क्यों? साधु ने कहा, भगवान और भाग्य को दोष देना कितना सरल है।
कोई अपने कार्यों को दोष नहीं देता। दैत्यराज, चिंगारी बोओगे तो ज्वालामुखी फटेगी, फूल बोओगे तो चारों ओर सुगंध फैलेगी। तुम उस संत की बातों का उपदेश देने आए हो? आभार मानने आया हूं। तुमने मेरी भार्य सच्ची को सम्मानपूर्वक रखा, देवगुरु बृहस्पति को भी सभी प्रकार की स्वतंत्रता दी। वो मेरे अतिथि हैं। यही तुम्हारे उच्च संस्कार हैं, जो तुम्हें दैत्यों से अलग कर देते हैं। दैत्यराज, इंद्रदेव, तुम्हारा यहां आने का उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। मैं तुमसे मित्रता करके अपने अपराधों का प्रायश्चित करने आया हूं। तुम चाहे मित्र बनाओ या शत्रु मानकर दंड दो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। इंद्रदेव, मैं निर्भय हूं। शरणागत को शत्रु बनाने की अपेक्षा मित्र बनाना अति उत्तम समझता हूं। आओ मित्र, गले मिलो। नारायण नारायण। आओ मित्र, आओ। देखो मित्र, ये पानी का फैन है, इसे देखते ही मन में गुदगुदी होती है। आओ हम भी इसका आनंद उठाएं। चलो मित्र, हम भी इसका आनंद उठाएं। आओ। मित्र, इस फैन में बैठने में बड़ा ही आनंद आता है। चलो बैठते हैं। सुनो मित्र, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। आंखें बंद करो मित्र, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देगा। अच्छा? हाँ। व्रत्रासुर मर गया, मर गया व्रत्रासुर। व्रत्रासुर मर गया, व्रत्रासुर मर गया। मैंने व्रत्रासुर की हत्या कर दी। मेरे व्रत्रासुर की हत्या कर दी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्रसन्न होने की ही बात है देवराज इंद्र। देवी गायत्री, तुम्हें अपनी विजय पर हर्ष करने का अधिकार है देवराज। हर्ष की पृष्ठभूमि पर विषाद का भी कहीं ना कहीं स्थान होता है। आपका अभिप्राय? इन्हें पहचानते हो? महर्षि दधीचि जीवित हैं? ये इनका सूक्ष्म शरीर है। इन्होंने देवताओं के कल्याण हेतु अपने वास्तविक शरीर का उत्सर्ग कर दिया है। देवी, जीवन दान करते समय इनके मुख पर किंचित मात्र भी भय नहीं था। भय अभाव उन्हें होगा जिन्हें ये कल्याण मार्ग दिखाते थे, जिन्हें ये ब्रह्म ज्ञान देते थे, जिन्हें ये प्रेम त्याग ज्ञान का मार्ग दिखाते थे। देवराज, सुख भोगने वालों से दूसरों को सुख देने वाले ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। आप सत्य कह रही हैं। ये भी सत्य है इंद्र। प्रारब्ध समाप्त होने के पश्चात तुम पद्मुख हो जाओगे।
परंतु महर्षि दधीचि जी जीवन मृत्यु दोनों को सार्थक करके ईश्वर अंश बन गए। धन्य है महर्षि दधीचि जी।